कल हम आप लोगों को सिंगल मेन स्विच के बारे में बता रहे थे, बट उसमें है कि मेन स्विच और थ्री फेज मेन स्विच आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इसमें क्या डिफर है, यही हम देखेंगे। सिंगल मेन स्विच और थ्री फेज में अंतर क्या है, फर्स्ट देखिए क्या अंतर है। पहला क्या है, सिंगल मेन स्विच जो आता है वो 15 एम्पियर या 16 एम्पियर तक ही आता है, ज़्यादा नहीं होता, लेकिन और वोल्टेज में 220 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट तक ही होता है। दूसरा है अंदर क्या है, इसमें क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये है एक ही साथ है, एक नेगेटिव पॉजिटिव दो हीटर लगा रहता है जो साथ में ही रहता है। इसका बॉडी से जो अर्थ है उसमें भी है, इसमें भी है, ये है इसका इसमें। अब देखिए थ्री फेज में क्या अंतर है, यह देखिए थ्री फेज का मेन स्विच है, ये थ्री फेज में तीनों फेज अंदर में हीटर से कंट्रोल होता है, इसका लीटर कोरोना में लगा रहता है। हर विद्यार्थी को इसके न्यूट्रल खोजने में प्रॉब्लम होता है, वो क्या समझ लेता है कि यही बॉडी में है और यहाँ से लेकर वो न्यूट्रल दे देता है, लेकिन एक्चुअली बॉडी में जो तार कनेक्शन होता है वो केवल आठ ही रहता है, न्यूट्रल का तार ये कोना में कनेक्शन होता है। थ्री फेज में ये अंतर है, तीनों फेज जो होता है ये है और न्यूट्रल ये है, यह जो है न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट कनेक्शन के लिए हम यहाँ से तार कनेक्शन करेंगे। यह है 440 वोल्ट होता है, लेकिन सिंगल में 220 वोल्ट होता है, इसमें भी आप 220-250 ले सकते हैं। कैसे, एक न्यूट्रल एक फेज, जैसे एक न्यूट्रल एक फेज लीजिएगा वो 220 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, लेकिन किसी भी मोटर को चलाने के लिए थ्री फेज की जरूरत होता है, इसलिए ये थ्री फेज का है। और यदि लाइट आपको जलाना है तो आप एक फेज एक मीटर लीजिएगा, आपका सर्किट कंप्लीट होगा, लाइट जल जाएगा। यह जो है, अब रहा कि यह कितना तरह का होता है, कितने टाइप का थ्री फेज में आता है मेन स्विच, ये आता है फर्स्ट 32 एम्पियर 440 वोल्ट, आज पर लोड आप यूज कर सकते हैं, लेकिन तीनों में सेम ये जितने हैं दिखाए हैं वो ये जितने मेन स्विच हैं सब में है। और आइए 63 एम्पियर में का वोल्ट का जो है 440 वोल्ट जो मेन स्विच होता है उसमें भी थ्री फेज किटकट लगा होता है, उसमें न्यूट्रल होता है। यह स्पेशलिस्ट इसमें है कि इसके द्वारा हम वेल्डिंग मशीन को हम चला सकते हैं, कहीं भी वेल्डिंग मशीन आपका बाहर में, कहीं आप टेम्पोरी वायरिंग किए हैं, कहीं वेल्डिंग करना हो या जल्दी में काम करना हो तो इस मेन स्विच के सहारे आप कर सकते हैं, वहाँ थ्री फेज ले लीजिए, अर्थिंग जो है मेन स्विच अर्थिंग कर दीजिए, अगर लाइट जलाना है तो एक फेज एक न्यूट्रल ले लीजिए, इस तरह से आप कर सकते हैं। एज पर लोड लिया जाता है, जैसा लोड आपका है उस तरह से लीजिए। आइए 100 एम्पियर, इसके बाद आता है 100 एम्पियर का। 100 एम्पियर क्या है कि जैसे किसी बिल्डिंग में या मकान में हम लोड के अनुसार हमको ज़्यादा लोड पड़ता है तो वहाँ पर 100 एम्पियर का मेन स्विच लगाते हैं, लेकिन वोल्टेज सेम होता है 440 वोल्ट और यह 550 वोल्ट। 150 का जो आता है वह भी बड़े बड़े बिल्डिंग में अधिक लोड में इसको लिया जाता है। ये देखिए ये 200 एम्पियर 440 वोल्ट जो है ये किटकट मेन स्विच में ये लास्ट है, इससे बेसिक नहीं होता है। ये किटकट मेन स्विच है, मतलब क्या ऐसे जब चाहिएगा आप निकाल लीजिए और जब चाहिए लगा लीजिए। किटकट मेन स्विच का मतलब दो पेयर होता है फेल एनेबल, इसमें है फ्यूज बांधा जाता है, फ्यूज बांधिए और यदि आप फ्यूज वाला जब इच्छा आया तो आप निकाल दीजिए, फ्यूज वाला तो आप निकाल के फिर बांध सकते हैं। ये 200 एम्पियर जो 440 वोल्ट से लेकर 650 वोल्ट, जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग में मकान जो बनता है 4 तल्ला 5 तल्ला वहाँ पर यदि मेन स्विच लगाना हो तो वो आप ये ले सकते हैं, यही लेकर के आप उसको उसमें उसका कंट्रोल कर सकते हैं। ये क्या है कि डायरेक्ट इसको डायरेक्ट आप बिल्डिंग में नहीं दे सकते हैं, वो होता है एलडीवी बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, उसमें तीनों फेज जाता है और वहाँ से एक फेज न्यूट्रल
प्रत्येक बिल्डिंग में जाता है। न्यूट्रल खास का एक अलग से है, आप प्रत्येक रूम के लिए कंट्रोल के लिए प्रत्येक अलग अलग फेज आप ले सकते हैं जैसा आपका लोड होगा। अब देखिए ये इतना ही है, किचकट मेन स्विच में 200 एम्पीयर से बेसी नहीं हुआ है। इसके बाद आ जाता है दूसरा MCB और MCB को हम दूसरे क्लास में बताएंगे। और इसके बाद आता है जो आपका जरूरत है टेम्पोररी में, जहां होता है जैसे शादी ब्याह है, थ्री फेज है तो आप वहां लाइन चल रहा है, लेकिन जो ही लाइन कटता है तो उसको जनरेटर से दोबारा चलाया जाता है, वहां फंक्शन डिस्टर्ब होता है। वैसे जगह पर हम चेंज ओवर स्विच लगाते हैं, ये है चेंज ओवर स्विच। ये है कि आप AC में भी चला सकते हैं और DC में भी चला सकते हैं। यहाँ क्या है वो देखिए, यह जो है ये है मेरा चेंज ओवर स्विच। इसमें देखिए कंटेक्ट यहाँ 1, 2, 3 फेज है, इसमें तीनों फेज, ये न्यूट्रल है। यहाँ देखिए नीचे में जो है 1-2 पॉइंट में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है, जो जेनरेटर का पॉइंट, जेनरेटर जो हम लोग स्टार्ट करते हैं उसका पॉइंट यहाँ रहता है। अब देखिए क्या है, AC ये सप्लाई आया है ऊपर से, ये आपका जो देख रहे हैं ये थ्री फेज ए है, P1 P2 ये P3 तीनों फेज AC का आया है। ये मेरा न्यूट्रल है, आया है सप्लाई से जो आता है वो इसमें हम कनेक्शन देते हैं। इस हैंडल में जो है यहाँ भी पॉइंट होता है, नट बोल्ट होता है। ये है आउटपुट, ये आउट लोड के लिए यहाँ कनेक्शन होता है, ये सप्लाई है, लेकिन लोड हम जिस पर ही देंगे उसका तार हम इसमें यहाँ पर कनेक्शन करें। अब क्या है कि ये देखिए LDV बॉक्स जो होता है ये, उसमें क्या होता है कि ये थ्री फेज जो कनेक्शन होता है इसका, ये तीनों सप्लाई बाहर से आया, जो ऊपर से जो LDV से ट्रांसफार्मर से जो पावर आता है वो हम इसमें कनेक्शन कर देंगे। P1 P2 P3 कर दिए, न्यूट्रल यहाँ दे दिए, जनरेटर का जो हम पॉइंट रखेंगे वो यहाँ पर दे दें, यहाँ दे देंगे। अब क्या है LDV में देखिए, ये तीन LDV बॉक्स, ये है लोकल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ क्या है तीन बस बार है, 1, 2, 3, 4 चार ठो बस बार लगा होता है, एक न्यूट्रल का अलग रहता है, और फेज का तीनों R1, R, R, Y, B माने रेड वाइट जो भी आपका कलर दिए वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, P1, P2, P3 तीनों फेज यहाँ आता है। इससे जो कनेक्शन यहाँ जो कनेक्शन इससे जो तार मिलेगा तीनों फेज, ये सीधा एक इसमें आएगा P1 में आएगा, एक P2 में जाएगा, एक P3 में, आप कनेक्शन कर दीजिए। इसके बाद न्यूट्रल कनेक्शन ये देखिए ऊपर में एक बस बार जो है उसमें रहता है, वहाँ हम कनेक्शन कर रख देते हैं। जब हमको हम जब चलाते हैं किसी भी घर में या कहीं सप्लाई देते हैं तो इसी से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से लेते हैं, एक फेज एक न्यूट्रल ले लिए, एक आप एक रूम का, 4 रूम का 5 रूम का इस पर लोड इस पर लोड आप दे सकते हैं, इससे नहीं है तो इससे ले लीजिए, एक फेज एक मीटर इसे ले लीजिए। फिर उसी तरह से तीसरा है एक फेज एक मीटर आप ले सकते हैं, इसीलिए नाम पड़ा LDV बॉक्स, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। आप लोकल में आप बड़ा बिल्डिंग है, 4 बिल्डिंग है 6 बिल्डिंग हो तो वैसे एक बिल्डिंग में जैसे 11 तल्ला है, 11 तल्ला का लोड आप डिस्ट्रो देख लीजिए और तीनों फेज में डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। न्यूट्रल आप यहाँ लेते जाइए, एक एक फेज लेते जाइए, वहाँ जो हो जाएगा हर बिल्डिंग में अलग अलग मेन स्विच में कनेक्शन होगा, यहाँ से जो निकलेगा वो क्या है वो इससे कंट्रोल हो जाएगा। जैसा आप बिल्डिंग में है लोड है वो आप वहाँ पर आप 100 एम्पीयर का मेन स्विच लगा दीजिए, ये जो लिए हैं वहाँ उसे दीजिए, वहाँ से आप उसको सप्लाई दे दीजिए। इसके बाद इनकेस लाइन जब कट जाता है, कटने पर हम लोग जनरेटर चलाते हैं, जनरेटर जब चलाएंगे तो क्या होगा ये देखिए, ये नेगेटिव एक पॉजिटिव, जनरेटर से तार जो आता है वो एक नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ होता है। अब हम क्या करते हैं, जैसे लाइन कटता है तो चलाने के लिए क्या है दूसरा इधर लाइन देने के लिए हम इसको हम बदल के इसमें करेंगे, जैसे इसको हैंडल नीचे करेंगे ये कॉन्टैक्ट
इसमें लाएगा, एक कंटेक्ट इसमें आएगा, एक न्यूट्रो यहाँ, एक न्यूट्रो वाला यहाँ कंटेक्ट आ जाएगा और ये फेज वाला यहाँ ये आने लगेगा। नतीजा है यही दो फेज में, ये फेज न्यूट्रो में पावर चला जाएगा। अब आप इसे कहीं भी है बिल्डिंग में आप जनरेटर के सहारे चला सकते हैं। इनके साथ आपको तीनों फेज में की जरूरत है तो आप क्या करना है, ये पॉजिटिव इंडिकेटर ले दीजिए, ये अंदर में ऐसे तीनों शॉट दीजिए, तीनों फेज में चला जाएगा। ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है या जनरेटर का पावर पर डिपेंड करता है। ये ध्यान है कि ये विशेष ध्यान है कि लड़के क्या करते हैं कि आउटपुट जो है लोड जो है यहाँ कनेक्शन कर देते हैं और इनकमिंग भी। हाँ, ये गलत है, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लोड जब भी होगा बीच वाला जो पॉइंट है यहाँ जो है नट बोल्ट लगा रहता है उसी से देना चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आता है कि हम कैसे कनेक्शन करें क्योंकि तार की संख्या अधिक हो जाता है। अब एक एक करके आप पढ़ते जाइए और कनेक्शन करने के बाद में ये ध्यान रहे जब भी लोड हम दे रहे तो बीच वाला पॉइंट से देख देखिए यहाँ से निकला था एक बस वहाँ चला गया, दूसरा आया दूसरे में चला गया, तीसरा आया तीसरे में चला गया, न्यूट्रल यहाँ से निकला ये न्यूट्रल में चला गया। ये समझने की चीज़ है। और पराए लोग क्या करते हैं अधिकतर, जैसे थोड़ा सा अगर जानकारी ठीक नहीं रहा या दिमाग में समझ नहीं आया तो गलत लोग कर देते हैं, जिसके चलते है क्या यहाँ लोड ना देकर के आप यहाँ से ले लेते हैं, ये कन्फ्यूजन होता है। चेंज ओवर स्विच दो प्रकार का होता है, एक मैनुअली एक ऑटोमेटिक। क्या इसमें एक रिले होता है, ऑटोमेटिक में एक रिले होता है, जैसे पावर घटता है वह तुरंत वो रिले पकड़ लेता है डीसी से, जैसे चालू कीजिएगा वो रिले कंटेक्ट करेगा और ये कंटेक्ट ऐसे आता है। इसमें ये मैनुअली है इसलिए हैंडी ऑन करना पड़ता है, उसमें कंटेक्ट ऐसे सटता है, वो तुरंत क्या हवा यहाँ पावर कटा इसमें सटेगा और यह पावर जाने लगेगा, आपको ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है वो देखिए, ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच और मैनुअली चेंज ओवर स्विच में अंतर है। क्या है उसमें, क्या है मेंटेनेंस जो होता है इसका मेंटेनेंस आप सुचारू रूप से कर सकते हैं, कंटेक्ट जल गया यहाँ जल गया इसको अच्छे बदल दीजिएगा चल जाएगा, जो भी कंटेक्ट जला बदल दीजिएगा, लेकिन मैनुअली में नहीं कर सकते हैं, चेंज ओवर स्विच में नहीं होगा। वो क्या है वैसा है कर सकते हैं लेकिन बहुत दिक्कत होगी, समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए अधिकतर आदमी लोग जैसे होते हैं दोनों यूज होता है। आपका ऊपर है डिपेंड कि हम कौन सा यूज करें, चेंज ओवर स्विच में मैनुअली करें या चेंज ओवर स्विच जो ऑटोमेटिक वाला वो हम यूज करें। ये ध्यान रहे कि इसका उपयोग हर जगह होता है, हर कारखाना में हर वर्कशॉप में हर कार्यालय में अभी दिया गया है या देते हैं लोग कि जैसे पावर घटा चेंज ओवर स्विच चेंज कर दिए आप ऑन कर दिए चल गया, इसमें मेंटेनेंस कम है एक उसमें थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए ध्यान दें हम उसी तरह से यूज करेंगे। आज का इतना ही, कल फिर बताएं।